दोस्तों, कुछ टाइम पहले मैं अपनी एक फ्रेंड से बहुत ही ज़्यादा टाइम के बाद मिली। हमने बहुत सारी बातें शेयर करी, मैंने उसे बहुत सारी स्टोरीज बताई जो मेरी लाइफ में हो रही हैं, और इस बीच सडनली उसने मुझे इंटरप्ट किया और बोला, कविता प्लीज़ बुरा मत मानना, लेकिन कैन यू प्लीज़ कम टू द पॉइंट। I'm waiting for last 15 minutes for you to come to the point, but you're just beating around the bush. Please. To be honest, मुझे बहुत बुरा लगा और मेरा रिस्पॉन्स ये था, यार अगर तेरे पास टाइम नहीं है सुनने का तो मैं फिर कभी सुनाऊंगी, चल बाय। कुछ दिन के बाद मैं अपनी टीम में एक प्रेजेंटेशन दे रही थी। मेरी मीटिंग में अराउंड 12 टू 14 मेंबर्स थे जिन्होंने स्पेसिफिकली उस प्रेजेंटेशन के लिए ज्वाइन किया था। एज आई वॉज गिविंग माई प्रेजेंटेशन, आई वॉज इंटरप्टेड बाई अनदर टीम मेंबर एंड ही सेड, हे कविता, वुड यू माइंड इफ यू रैप अप दिस प्रेजेंटेशन क्विकली, बिकॉज आई ऑल्सो हैव टू शेयर माई व्यूज एंड यू हैवंट येट कम टू द पॉइंट। To be honest, I felt really embarrassed. But I didn't get angry on him because it made me realize my friend's comment. She was not wrong. I needed to come to the point. उस दिन मैंने ये realize किया कि अगर मैंने अपनी friend का feedback analyze किया होता और सुना होता वो क्या बोल रही है, तो मैं अपने को improve करने में हेल्प कर सकती थी। बट मैंने उसके फीडबैक को कंप्लीटली इग्नोर किया एंड आई लेफ्ट। उस दिन मुझे ये समझ में आया कि अगर फीडबैक सही से लिया जाए तो ये हमारी जिंदगी बदल सकता है, और अगर फीडबैक सही से दिया जाए तो ये आपके सामने वाले इंसान की जिंदगी बदल सकता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूं 3 वेज जिनकी मदद से आप इफेक्टिव फीडबैक दे सकते हैं। नंबर 1, बी स्पेसिफिक। फीडबैक हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड, क्रिस्टल क्लियर और टू द पॉइंट होना चाहिए। अगर आप किसी को करेक्टिव फीडबैक दे रहे हैं और आप इस तरह के कमेंट्स यूज करते हैं जैसे कि, हे आई थिंक योर वर्क नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, या फिर, हे आई वॉज नॉट वेरी इम्प्रेस्ड विद योर रिपोर्ट्स, यू हैव टू डू बेटर, बिलीव मी, इस तरह के जनरल कॉमेंट से सामने वाले इंसान को कोई फायदा नहीं होता है। वो ऑल द मोर कन्फ्यूज हो जाता है क्योंकि आपने उसे ये सजेस्ट ही नहीं किया कि विच एस्पेक्ट ऑफ हिज वर्क नीड्स टू बी करेक्टेड। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर फीडबैक दे रहे हैं, सो यू ऑल्सो सजेस्ट अ वे टू दैट पर्सन ऑन हाउ ही और शी कैन अप्लाई योर फीडबैक इनटू हिज वर्क और इन डेली लाइफ। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस स्पीकर को बताएं या हम उस इंसान को बताएं कि कैसे हमारा फीडबैक वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, देन दैट फीडबैक विल बी हेल्पफुल टू दैट पर्सन। For example, hey, I have seen that you have missed last 2 deadlines. This time, I feel I can help you with little time management so that you don't overcommit yourself to things and also you can deliver your tasks promptly. इस तरीके के फीडबैक देने से आप actually उस इंसान की मदद कर रहे हैं to correct himself and to improve himself. और एक और चीज़ जो आपको बहुत ध्यान में रखनी है, माना कि आप करेक्टिव फीडबैक दे रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस इंसान को पॉजिटिव फीडबैक नहीं दे सकते। मेक इट अ पॉइंट दैट ऑलवेज आप एक पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर दे रहे हैं उस इंसान को, सो दैट दैट पर्सन नोज व्हाट थिंग्स ही हैज़ टू होल्ड ऑन टू ऑन हिज वे। नंबर 2, डोंट वेट फॉर योर quarterly performance review or your annual performance review to share your feedback or to get one.
किसी भी इवेंट के होने के तुरंत बाद दिए जाने वाला फीडबैक सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है, और अगर आप उस फीडबैक को नहीं देते हैं उस टाइम, तो वो ओवर द टाइम मल्टीप्लाई होता है और उसका कोई फायदा नहीं होता. एंड बाय द टाइम योर क्वार्टरली परफॉर्मेंस रिव्यूज अराउंड द कॉर्नर, यू आर कन्फ्रंटेड बाय अ लॉट्स एंड लॉट ऑफ इश्यूज विच कुड हैव बीन अवॉइडेड इफ ओनली इट वुड हैव बीन मेंशन टू यू राइट एट द स्टार्ट. मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब भी आप फीडबैक तुरंत नहीं देते हैं एंड इफ यू आर वेटिंग फॉर योर क्वार्टरली परफॉर्मेंस रिव्यू अपने फीडबैक के लिए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो प्रॉब्लम्स आपने एक टाइम पे फेस की होंगी वो सब गायब हो चुकी होती हैं, बिकॉज एवरी डे लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन आवर लाइफ एंड दैट अप्लाइज टू द वर्क प्लेस एज वेल. सिंस हमने उन प्रॉब्लम्स को उस समय नहीं एड्रेस किया, तो वो ओवर द टाइम सिर्फ मल्टीप्लाई हुई. एंड बाय द टाइम योर अप्रेजल इज अराउंड द कॉर्नर, यू डोंट नो व्हाट टू से, और बहुत सारी चीज़ें हवा हो जाती हैं. तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब भी कोई इवेंट हुआ है उसके तुरंत बाद फीडबैक दिया जाए. इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी करेक्टिव, इट डिपेंड्स ऑफ कोर्स. अगर किसी ने अच्छी प्रेजेंटेशन दी है, सो गो अहेड एंड टेल दैट पर्सन दैट योर प्रेजेंटेशन वॉज ग्रेट, आई लाइक दिस दिस दिस, बट नेक्स्ट टाइम वेन यू आर गिविंग वन यू कैन ऑल्सो फोकस अ बिट ऑन योर वोकल वराइटी, मे बी दैट विल एंगेज द ऑडियंस मोर. इस तरीके का फीडबैक उसी समय दिया गया जिस वक्त इवेंट हुआ, एंड दैट मेड द फीडबैक इम्पैक्टफुल. नंबर 3, फोकस ऑन परफॉर्मेंस नॉट पर्सनैलिटी. फोकस ऑन वॉट पीपल डू रादर देन हु दे आर. आई विल गिव यू टू एग्जाम्पल्स राइट नाउ एंड यू टेल मी वॉट काइंड ऑफ फीडबैक यू वुड लाइक टू रिसीव. नंबर 1, हे आई थिंक योर एरोगेंस इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. सेकेंड, हे You interrupted me when I was talking to the client and I think it's a bit of a problem. I'm sure you will choose number 2 because in second example, I focused on person's behavior, not on person's personality. So ye the wo 3 ways jinhe use karke aap effective feedback de sakte hain. I'm very curious to know what ways do you guys use when it comes to sharing feedback with others. Please subscribe to my channel for more such videos. Till then, stay awesome.